तो हेलो एवरीवन, प्रकाश शानदार यूट्यूब चैनल पर आप सब लोग को स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गूगल फॉर्म कैसे बनाए, है ना। बहुत सारे लोग को प्रॉब्लम होता है गूगल फॉर्म को बनाने में, लेकिन आज की वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा भी कहीं कंफ्यूज नहीं होगा कि कैसे हम गूगल फॉर्म को बना सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है। तो प्ले स्टोर पर जाने के लिए हम यहाँ से सर्च कर लेंगे प्ले स्टोर, और प्ले स्टोर से आपको यहाँ एक फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। मतलब एक ऐप है जिससे आपको फॉर्म बनेगा, उस ऐप का नाम है सर्वे आर्ट। तो मैंने ऑलरेडी सर्वे आर्ट को डाउनलोड करके रखा है, तो मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, यही ऐप है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से ओपन किया, ओपन करने को मैंने प्लस ओके ऑप्शन पर जाना है। इसके अंदर फॉर्म पर सबमिट कीजिएगा। फॉर्म पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर थंबनेल देखना कौन सा अच्छा लग रहा है आपको, ठीक है। अब जैसे मुझे ये सही लग रहा है, तो मैंने इस पर टच किया और कुछ इस प्रकार का आपको खुल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मैं सारा को मैं डिलीट कर लूँगा यहाँ से, जितना है ना सबको मैं यहाँ से भी डिलीट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर टाइटल लिखना है, तो टाइटल में आपको क्या लिखना है, मैं ऑलरेडी लिख के रखा हूँ, तो अभी मैं उसको यहाँ से ले लूँगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ अपने व्हाट्सअप के अंदर में, तो मैं अभी यहाँ से जाऊँगा यहाँ पर व्हाट्सअप में और मैं उसको वहाँ से उठा लूँगा। जैसे मैं देखिए सपोर्ट डेट मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ कि मुझे टाइटल में क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, वो हर चीज़। तो गाइस ये देखो मेरा यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने जाकर टाइटल पर पेस्ट कर दिया। जैसे मैं अभी टाइटल आ गया, यहाँ पर जाकर मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर गया डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद में गाइस आपको यहाँ से फिर से उठा लेना है डिस्क्रिप्शन, और जाने के बाद में यहाँ पे फिर आपको कॉपी पेस्ट कर लेना है। जैसे फिर से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिया। जैसे मैं टाइटल में मैंने लिखा है लेट्स वर्क विद सोनू कुमार, ठीक है। और यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ही इज़ प्रोवाइडिंग यूथ ए पार्ट टाइम अर्निंग ऑप्शन जस्ट बाई सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है। उसके अंदर गाइस अब आपको क्या करना है, प्लस के ऑप्शन पर जाना है, उसके अंदर शॉर्ट आंसर पर जाना है, और यहाँ पर आपको लिखना है नाम, ठीक है, क्योंकि मुझे नाम को बहुत ज़रूरी है। तो उस नाम पर जाने को रिक्वायरमेंट को मैं ऑन कर लूँगा। उस पर एक बार टाइप करेंगे, फिर दूसरा यहाँ पर जाएंगे, उसके अंदर आपको जाना है ऑलरेडी मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर लिख लिया मैंने मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर पर जाने के बाद इसको भी ऑन कर लेना है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सॉरी, मोबाइल नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर, ठीक है। उसके अंदर इसको ऑन कर लीजिएगा। उसके अंदर गाइज आपको यहाँ पे फिर सर्च करना है, और यहाँ पर उसके अंदर मल्टीपल चूज पे जाना है। आपको मल्टीपल चूज पर जाइएगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है जेंडर, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे जेंडर पर आएंगे योर जेंडर, ठीक है। तो जेंडर पर आने के बाद में गाइज यहाँ से इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ पर मेल डालेंगे, मेल और डालेंगे फीमेल, या तीन ऑप्शन है अदर, ठीक है। तो ऑप्शन ऑलरेडी आ गया, चाहो तो ये अदर को कट ही कर दो क्योंकि अदर कोई होता नहीं है, ठीक है। ये दोनों रिक्वायरमेंट को मैं ऑन कर लूँगा, ओके। यहाँ दो ऑप्शन वाला भी चीज़ आ गया। उसके बाद में गाइस हम लिखेंगे सिटी, वो कहाँ से है, तो सिटी में यहाँ पर सर्च कर लेंगे स्टेट या सिटी, ठीक है। तो सिटी लिख देते हैं यहाँ पर सिटी, ठीक है, कौन सा सिटी से है, या तो फिर आप यहाँ पर ये भी डाल सकते हो स्टेट या सिटी, सबसे बढ़िया रहेगा स्टेट और सिटी ही सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं स्टेट एंड सिटी, तो यहाँ से रिक्वायरमेंट को ऑन कर लेंगे और कहाँ से बिलोंग करता है, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हो जो बहुत ज़रूरी है उसके बारे में जानना, उसका क्वालिफिकेशन क्या है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्वालिफिकेशन, तो मैंने वहाँ पर भी क्वालिफिकेशन डालकर इसको भी ऑन कर लिया कि बंदा क्या करता है, क्या पढ़े लिखे हुए कि नहीं, ठीक है। उसके बाद गंदा उसके बाद में इसको लिख लेना है कि आप ऑनलाइन वर्क क्यों करना चाहते हो, ठीक है, आप पर क्यों करना चाहते हो, क्या रीज़न है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है आप ऑनलाइन बिजनेस क्यों करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दे देंगे। अब ये हो गया ऑलरेडी, अब इसको जो जो आपको ऊपर नीचे लग रहा है कर लेंगे। जैसे मोबाइल नंबर मुझे यहाँ पे करने एक चीज़ और छूट रहा है, उसका एज कितना होना, एज बहुत ज़रूरी है। यहाँ से लिख देंगे एज, व्हाट इज योर एज, तो मैं एज को भी ले लिया, ठीक है। अब इसको ऊपर नीचे कुछ लोग कर लेंगे, जैसे मैं कि देखो अभी एज नीचे है, तो एज को मैं उठा कर ऊपर कर लेता हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है एज। उसके अंदर उसका जेंडर होना चाहिए, उसके अंदर मोबाइल नंबर, ठीक, पहले नाम, उसके अंदर आपका एज क्या रहा है, जेंडर क्या है, मोबाइल नंबर, स्टेट, सिटी, क्वालिफिकेशन। अब मेरा ये फॉर्म बन चुका है, ठीक है। उसके अंदर मैं क्या करूँगा, सेटिंग पर आऊँगा एक बार। सेटिंग पर आने के बाद मैं गाइज यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ आपको लिखना है, जैसे मैं कि लोगो, व्हाट इज योर पेज, तो सर्वे हट, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लिखना है ना फिल द फॉर्म, यहाँ पर जो है ना जो उसका मेन बटन रहेगा वहाँ पे क्या लिखना है, तो यहाँ पर लिखा है फिल द फॉर्म, ठीक है, यहाँ पर ये लिखना है। और यहाँ पर मान जो कोई इमोजी नंबर डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके अकॉर्डिंग है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर कोई ऑप्शन डाल सकते हो फिल द फॉर्म, तो आपको ये डाल दो या कुछ भी डाल दो जैसे आपकी इच्छा है,
या तो डालना चाहो डालो या तो नहीं भी डालो, आपकी इच्छा है। ठीक है, तो आप कोई इमोजी इनवर लगा सकते हो। उसका क्या करना, आपको सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करोगे गाइस, आपका फॉर्म बनकर रेडी हो चुका है। आप इसको कॉपी कर कर आप किसी को भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, आप जाओ तो आप फॉर्म को देख सकते हो, आपका फॉर्म कैसे बना है। तो व्यू फॉर्म पर क्लिक करेंगे, उसके बाद देखो जो आपका फॉर्म है ना इस प्रकार का बना हुआ है। ठीक है, फिल द फॉर्म, इस पर टच करेंगे, आपका ये फॉर्म है। देखिए ये आपका फॉर्म बनकर रेडी हो गया। इसके अंदर अभी मैं कॉपी कर लिया हूँ, आप किसी को भी इस फॉर्म को सेंड कर सकता हूँ। जैसे मान के चलो मैं, मुझे कोई फ्रेंड है तो फ्रेंड को भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, जिसको मैंने उसको हम सेंड कर सकते हैं। सपोर्ट डेट मान के चलो ये बंदा है, मैं इसको इस फॉर्म को सेंड करूँ, तो यहाँ कॉपी किया और फॉर्म का लिंक दे दिया। या कोई सोशल मीडिया पर लगाना चाहते हैं वहाँ भी आप लगा सकते हैं। ये टच करेगा जैसे बंदा इस लिंक पर, ऑलरेडी यहाँ से एक फॉर्म खुल जाएगा। इसी फॉर्म खोल के आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं जो भी उसको करना है। जैसे मैं नाम लिख दिया, ठीक है, उसके बाद जो भी ना वो सारा यहाँ पर डन किया, डन करने के बाद वो सारा चीज़ यहाँ सबमिट करेगा, वो फॉर्म मेरे पास आ जाएगा। तो गाइज आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि कैसे गूगल फॉर्म बनाना है और कैसे आप बना सकते हो। ठीक है, सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।